2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी ने सैनिकों के साथ दीपावली मनाई थी। पीएम मोदी सियाचिन में तैनात जवानों के बीच पहुंचे और इसके बाद हर साल पीएम मोदी की दिवाली जवानों के संग मनने लगी। इस बार भी पीएम कच्छ के रण पहुंचे। कच्छ में पीएम ने जवानों को मिठाई भी खिलाई और इस मौके पर प्रधानमंत्री सेना की वर्दी में नजर आए। आखिर कैसी रही पीएम की जवानों के साथ दिवाली, देखिए इस रिपोर्ट में। हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी दिवाली देश के शूरवीरों के साथ मनाई। इस बार पीएम गुजरात के कच्छ में पहुंचे, जहां वो बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों से मिले और उनको मिठाई भी खिलाई। कच्छ पहुंचने के बाद पीएम मोदी भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े पर एकदम अलग अंदाज में दिखाई दिए। सेना की वर्दी, माथे पर हैट और आंखों पर काला चश्मा। कच्छ की सरक्रीक इलाके में पहुंचे पीएम ने सेना के जवानों से मुलाकात की, फिर उन्हें मिठाई खिलाई। इतना ही नहीं, तमाम कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद पीएम मोदी ने सरक्रीक इलाके का निरीक्षण भी किया। वो बीएसएफ की बोट पर भी नजर आए। आज जब हमें जिम्मेदारी मिली है तो हमारी नीतियां हमारी सेनाओं के संकल्पों के हिसाब से बनती है। हम दुश्मन की बातों पर नहीं, हमारी सेनाओं के संकल्पों पर भरोसा करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि लगातार 11वीं बार प्रधानमंत्री ने अपनी दिवाली घर से दूर बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ मनाई। आखिर कब कब और कहां कहां, ये भी देख लीजिए। साल 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और तभी से ही पीएम हर साल अपनी दिवाली जवानों के साथ मनाते हैं। साल 2014 में पीएम बनने के बाद सबसे पहले वो सियाचिन में जवानों के साथ दिवाली मनाने गए थे। 2015 में पीएम मोदी ने अमृतसर में जवानों के साथ दिवाली मनाई। वहीं 2016 में पीएम किन्नौर, 2017 में बांदीपुरा, 2018 में उत्तरकाशी और साल 2019 में राजौरी, तो वहीं 2020 में जैसलमेर पहुंचे। साल 2021 में पीएम नौशेरा में गए, 2022 में करगिल और 2023 में पीएम मोदी ने लेपचा में जवानों के साथ दिवाली मनाई। कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाने से पहले पीएम मोदी गुजरात के केवड़िया पहुंचे थे, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इतना ही नहीं, पीएम ने गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट एक सभा को संबोधित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सीबी इंडिया। जो भारत के बिखरने का आकलन कर रहे।